हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, देखिए ये जो है टेम्परेचर कंट्रोलर आईथ्राम की, जो कि मॉडल नंबर है AI7981। दोस्तों ये एक बहुत बढ़िया टेम्परेचर कंट्रोलर है, इसमें आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग और सेटिंग मिलेगा। तो दोस्तों चलिए इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर PVS वैल्यू देखने के लिए 4 डिजिट का यहाँ पर जो है नंबरिंग दिया हुआ है। फिर जो है यहाँ पर शेड वैल्यू जो है इसमें दिखाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए बटन के बारे में आपको जानकारी दे दें, तो यहाँ पे एक सेट बटन दिया है, यहाँ पे एक लेफ्ट राइट की दिया है, यहाँ पे अप और यहाँ पे डाउन की दिया है। तो इसके ज़रिए इसमें सारे प्रोग्रामिंग और सेटिंग होगा। तो दोस्तों चलिए एक बार देख लेते हैं कनेक्शन क्या क्या है इसमें। तो देखिए यहाँ पर थर्मोकपल का कनेक्शन होगा, जो कि मैंने शॉर्ट किया है, ठीक है। शॉर्ट नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए ओपन दिखाएगा, शॉर्ट किया है तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर दिखा रहा है। और देखिए यहाँ पर जो है ऑक्सिलरी सप्लाई देना है आपको 10 और 11 में, और जो है आपको यहाँ पे एक रिले मिल जाएगा। और जो है देखिए यहाँ पे सारे टर्मिनल की डिटेल्स दिया हुआ है, 16 और 17 नंबर जो है SSR पॉइंट के लिए, ओके। और देखिए यहाँ पे थर्मोकपल, यहाँ पे ऑक्सिलरी सप्लाई। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, तो इसके प्रोग्रामिंग के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको, प्रोग्रामिंग में एंटर करना है तो क्या है, ये सेट पॉइंट और जो आपकी है इसको दोनों एक साथ कुछ सेकंड पेस करके रखना है, होल्ड करके, ठीक है। तो जैसे ये आ जाएगा देखिए लोकल, ठीक है, ये है आपका जो है लॉक कोड, ओके, लॉक कोड, ये जो है लॉक कोड। तो लॉक कोड क्या है, इसको चेंज करना है। चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या देना है, 15 देना है, ओके, ये ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे लॉक कोड जो है इसका डिफ़ॉल्ट 15 है, तो 15 देके हम इसको एंटर करेंगे। तो देखिए जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे आ गया आपको इनपुट, जो थर्मोकपल का इनपुट है। तो दोस्तों जो थर्मोकपल का आपका इनपुट होगा, ये देखिए ये चला गया। फिर से मेरे को एक बार प्रोग्रामिंग में जाना है, तो देखिए पहले वाला जैसे किया है वैसे ही जाना है, 15 देना है, फिर जो है सेट करना है। फिर इनपुट आ गया, देखिए ये जे टाइप है, फिर जो है ये के टाइप है, ये आर टाइप, एस टाइप, एन टाइप, टी टाइप, बी टाइप, RTD, ये है RTD1, ओके। तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जे टाइप ही रखूँगा, फिर इसको एंटर करेंगे। तो देखिए जे टाइप हो गया, यह है लोअर सेट पॉइंट लिमिट। लोअर सेट पॉइंट लिमिट आपको क्या रखना है, 0 ही रखना है। फिर इसको एंटर करना है, फिर आपको आएगा देखिए हायर सेट पॉइंट लिमिट, आपका ऊपर का जो है जितना टेम्परेचर ऊपर का है वो इसमें सेट करना है। अगर इसमें आपका टाइप हिसाब से आपको देना है, अगर जे टाइप होगा के टाइप होगा उसकी हिसाब से यहाँ पे आपको सेट करना है। तो यहाँ पे 400 मैं रखूँगी, फिर मैं यहाँ पे सेट बटन को प्रेस करूँगी। फिर आ गया देखिए ऑफसेट, ऑफसेट जो है इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 0 ही सेट है तो हम 0 ही रखेंगे। फिर आ गया फिल्टर, फिल्टर जो है यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 6 है वैल्यू, तो इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 6 है तो 6 ही रखेंगे, फिर इसको सेट करना है। फिर आपका आ गया, फिर जो है आपका आ गया कंट्रोल मोड। कंट्रोल मोड आपका क्या है, यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ, PID, ठीक है, जो भी है आपको देना है तो ऑन ऑफ ही रखेंगे। फिर यहाँ पे सेट करेंगे, जैसे सेट करेंगे आ गया आपका जो है आपका कंट्रोल लॉजिक। कंट्रोल लॉजिक जो है आपको यहाँ पे देना है हीट या कूल, आपका कौन सा मूड में चलेगा ये हीट और कूल जो भी है इसको देना है। अगर हीट मूड में रहेगा तो हीट मूड पे इसको सेट कीजिए। फिर जो है देखिए आउटपुट टाइप, आउटपुट टाइप आपका किस तरह का है, रिले है या SSR है, जो है इसको आपको देना है और एंटर करना है। मेरा रिले है तो रिले करके इसको सेट कर देंगे, ठीक है। फिर आ गया देखिए सेट पॉइंट, जो कि है इसमें डिस्प्ले के सेटिंग हो जाने के बाद जो है ये जो सेट पॉइंट है उसको डिसेबल कर दीजिए
या तो इनेबल कर दीजिए। अगर इनेबल होगा तो आप सबसे पहले जाकर इसका सेटिंग चेंज कर सकते हो। अगर डिसेबल कर देंगे तो जो है यहाँ पे जो सेट पॉइंट होगा उसको चेंज कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें इनेबल रखना है तो इसको सेट कर देंगे, ठीक है। फिर आ गया आपका, देखिए ये जो है यूज़र लॉक कोड। देखिए मैंने जो 15 जो पासवर्ड डाल के मैं प्रोग्राम में एंटर किया है तो ये जो है 15, अगर इसको चेंज कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो आपको जो नंबर यहाँ पे रखना है रखेगा वही सबसे पहले एंटर करके जाना है। तो जो है बाय डिफॉल्ट 15 उसको ही हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो आपका प्रोग्रामिंग सेट हो गया, ठीक है। अभी देख सकते हैं ये जो है सेट वैल्यू 40 और प्रीवियस वैल्यू है 33। तो अभी क्या है सेटिंग चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बटन को प्रेस करना है, फिर आपको यहाँ से वैल्यू चेंज करना है, ठीक है। देखिए मैंने जो सेट पॉइंट जो है इनेबल रखा है इसलिए यहाँ पे मैं चेंज करने का ऑप्शन मिला है, ठीक है। तो देखिए ये सेट करने का ऑप्शन मिल गया है। अगर वहाँ पे डिसेबल कर देंगे तो ये जो है सेट पॉइंट हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो देखिए ऐसे करके आपको सेट करना है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।